हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो ये देखिए, ये आज सुल्ताना नानी हम लोगों को बना के खिला रहे हैं बड़े। बड़े का एक्चुअली वो सालन बना रहे हैं, तो मैंने कभी बड़े के सालन नहीं खाई थी, हमेशा हम लोग इसे फ्राई करके ही खाते हैं। सो आज देखते हैं गावटी स्टाइल में, गाँव की स्टाइल में कैसे बनता है बड़ी का सालन। सो यहाँ पर ले लिया है बेसन, बेसन में डाल रहे हैं अजवाइन, और अब डाल रहे हैं इसमें हरी मिर्ची को दरदरा सा पीस लिया था, ग्राइंड कर लिया था, वो ऐड कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा स्पाइसी बने ये। और अब इसमें डाल रहे हैं हसबे जायका नमक, तो ये थोड़ा सा जाड़ा नमक है, गांव में इधर ऐसा ही नमक मिलता है, तो ये एकदम टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना पड़ता है, कभी कम ज़्यादा भी हो सकता है, मेजरमेंट हिल सकता है, इसलिए मैंने नानी को बोला कि आज तुम ही बनाओ, मैं शूट करूँगी। सो ये अभी हम इसे स्टेयर कर रहे हैं, इसका एक बैटर बना लेंगे हम, थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके। सो ये देखिए, नानी थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे मिक्स कर रहे हैं। और ये अगेन थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया है, बिकॉज़ ये अभी भी बहुत ज़्यादा थिक है, तो थोड़ा सा मेल्टी करने के लिए इसे पानी ऐड करके इस तरीके का इसका बैटर बना लेंगे। और अब हम जो बड़े के पत्ते होते हैं, पत्ते को नानी ने परात के ऊपर ऐसे उल्टा कर लिया है परात को, और फिर इस पर ये अच्छी तरीके से बैटर लगा रहे हैं। सो गाँव में सब जन तीखा ही खाते हैं, तो नानी इसमें अभी तक इमली का कुछ भी ऐसा खट्टापन के लिए कुछ ऐड नहीं किया है। मैं नानी को बीच में बोल भी रही हूँ कि नानी कुछ खट्टा नहीं बनाएंगे, खट्टा मिट्टा रहता है, तो नानी बोलते नहीं, मेरी स्टाइल का बनाएंगे। और ये जो बीच में नानी ने ऐसे कट लगाया था, वो कट के ऊपर ऐसे पत्ते को, हाफ पत्ता है ये, उसको उन्होंने रख लिया है। और अभी दूसरी साइड जो फुल पत्ता है वो पत्ता रख रहे हैं। सो ये भी एक न्यू ट्रिक मेरे को सीखने को मिली, बिकॉज़ हम लोग तो मुंबई में हमेशा एक ही पत्ते को लेते हैं ऊपर की, उसकी डेट कट करते हैं, और उसमें ऐसा बेसन में इमली, नींबू, शक्कर और खट्टा मीठा फ्लेवर आने के लिए शक्कर और फिर रेड चिली पाउडर, ये सब हम ऐड करके इसका बैटर बना लेते हैं, और फिर इसे एक पत्ते के ऊपर बिछो के इसे रख लेते हैं, और फिर उसे टर्न करके एक रोल बना लेते। बट ये न्यू ट्रिक मेरे को, न्यू रेसिपी सीखने को मिली नानी की तरफ से। और अगेन देखिए, इन्होंने दूसरे पत्ते को हाफ लिया है, उसे भी बीच में इस तरीके से रख लिए हैं ताकि थोड़ा सा मोटा बने, और उस पर भी अच्छे से बैटर को बिछा रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं। और अब एक साइड से इसे थोड़ा सा फोल्ड किए, उसके ऊपर भी बैटर लगाए, और दूसरी साइड से भी इसे थोड़ा सा फोल्ड करके बैटर लगा रहे हैं। और ये भी नीचे की साइड से इसे अच्छे से प्रेस करते हुए इसको रोल रोल में टर्न कर लेंगे। सो ये देखिए, इन्होंने अच्छे से ये एक रोल को रेडी कर लिया है, और इसे साइड में एक छन्नी के ऊपर रख रहे हैं। अगेन सेम मेथड से हमें दूसरे रोल्स भी रेडी कर लेना है। सब में पहले हम परात को क्लीन करेंगे ताकि वो चिपके ना नीचे से, और फिर अगेन इसी तरीके से सारे रोल्स बना लेंगे हम। ये देख सकते हैं, ये नानी का लास्ट रोल चालू है, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसकी भी क्लिप ले लूँ। और यहाँ पे भाभी ने एक बर्तन में 2 से 3 इमली डाल के पानी को बॉईल आने के लिए रख लिया है। जब पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा, तो अभी हम इसे इस पे छन्नी पे रख के इसे स्टीम कर लेंगे, ताकि ये स्टीम हो जाए, अंदर से बेसन हमारा कच्चा पक्का ना रहे। और ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पे इन्होंने लिया है खोपरा, खोपरे को इस तरीके से भून रहे हैं तवे पे। सो ये देखिए, खोपरा गोल्डन होना शुरू हो गया है, खोपरे को निकाल के अभी हम इसमें डाल रहे हैं ऑनियन, स्लाइस में कट किए हुए ऑनियन्स हैं,
ऑनियंस को भी अच्छे से भून के गोल्डन हो कर लेंगे और फिर इसे भी शिफ्ट करेंगे और फिर मिक्सर जार में डालेंगे लहसुन, अदरक और कोतमीर। इन सब का अच्छे से एक पेस्ट बना लेंगे और यहाँ पे हमारे जो रोल्स है वो अच्छे से स्टीम हो चुके थे, तो इसे फिर हमने इस तरीके से चकली की शेप में इसे गोल गोल सा कट कर लिया है, राउंड एंड राउंड, और अब मैं इसे फ्राई कर रहे हैं। सो ये देखिए फर्स्ट बैच हमारा फ्राई होने के लिए हमने डाल दिया है और बाकी के बर्तन में रखे हुए हैं और इसे हमें अच्छा सा क्रिस्पी सा फ्राई कर लेना है। ये अभी कच्चे है, इसे अभी तक मैंने फ्राई नहीं किया है। मैं आपको बता रही हूँ कि किस शेप में इस तरीके से बने हैं और इसमें देखिए हर पत्ते के बीच में मसाला आपको नज़र आएगा बिकॉज़ इसकी कोटिंग बहुत अच्छे से हुई है। सो मुझे नानी की ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी और ये ग्रेवी भी माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनी थी। सो मैं एक बार मुंबई जाके इसे ट्राई ज़रूर करूँगी। सो यहाँ पे नानी तड़का लगाने के लिए, जो इसकी ग्रेवी बनाने के लिए कढ़ाई में से ही ऑयल ले रहे हैं क्योंकि वो ऑयल गरम है तो हमें गरम होने देने के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। सो ये जो मसाला हमने पीस के रखा था वो मसाला हम ले लेंगे और वो मसाले को हम डायरेक्ट ऑयल में छोड़ देंगे। इसमें हमें जीरा वगैरह कुछ ऐड नहीं करना है, डायरेक्ट ऑयल में हमने जो मसाला पीस के रखा था वो मसाले को हम इसमें ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से इसे भून लेंगे। ये गांव में तरी ऑयल है, तरी का मसाला मिलता है, उसको ऐसे थोड़े से ऑयल में डाल के हम ऐसे फेंट लेते हैं तो ये इससे हमारे ग्रेवी में, हमारे सालन में बहुत अच्छी सी तरी आ जाती है। सो नानी ने अभी ऐड किए कुछ स्पाइसेस लाइक नमक, हल्दी और रेड चिली पाउडर और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एक गिलास जितना पानी इसमें ऐड किया है और इसे अब बॉईल आने देंगे। जैसे ही बॉईल आ जाएंगे, जो हमने फ्राई किए हुए बड़ी रखे हैं वो बड़े हम इसमें छोड़ देंगे और ये हमारी ग्रेवी बनके रेडी हो गई है और ये बहुत यम्मी बनी थी, बहुत टेस्टी। और ये देखिए ये सालन में जाके टूट भी नहीं रही है बिकॉज़ ये अच्छे से स्टीम होके फ्राई भी हो चुकी है और ये सालन हमारा रेडी हो चुका है। आई होप आप लोगों को ये गांव की डिश पसंद आई होगी। बाय बाय।